है। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स करें कि मिनिमम आपके 150 नंबर तो आए ही आए, बता देता हूं। तो देखो ये मेन चैप्टर था आपके सामने, बट इनसे क्वेश्चन आने की चांस, यहां से तो भर भर के क्वेश्चन आते बच्चों। केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें तीन अलग अलग सब्जेक्ट है। अब क्या होता है कि लास्ट में एग्जाम में बहुत कुछ याद रखना मुश्किल है, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स करें कि मिनिमम आपके 150 नंबर तो आए ही आए, और वो श्योर शॉट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो यार बच्चों, केमिस्ट्री में तीन टीचर लगते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा एरिया है। अब इतने कम समय में किन टॉपिकों को रिवाइज किया जाए जहां से आपके 150 प्लस मार्क्स आए, तो हम और बीटी सर मिलके इसी बात को डिस्कस करने आ रहे हैं। और कल मैराथन में भी हम लोगों का इन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहेगा। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पूरी रिवाइज कराएंगे, सबके क्वेश्चन कराएंगे, मगर मेन फोकस इन टॉपिक पे रहेगा सर, है ना, ताकि आपके मिनिमम 150 नंबर तो आए। अब मैं आपको ना फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता देता हूं। तो देखो ये मेन चैप्टर आपके सामने लिखे गए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है, बट इनसे क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है। जैसे कि एचडी का बेसिक का क्वेश्चन, जिसमें आपके मेसोमेरिक भी आ गए, हाइपर कंजुगेशन भी आ गया, इंडक्टिव भी अप्लाई हो जाता है, रेजोनेंस से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटायन कार्बनायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटीज, अगेन जिसमें तीनों के तीनों इफेक्ट लग रहे हो। सिमिलरली आइसोमेरिज्म में आप देखोगे स्ट्रक्चरल से क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिकल से आता है, और ये वाले क्वेश्चन जैसे इनेंशियोमर, डायस्ट्रियोमर और स्टेबल कंफर्मर और अनस्टेबल कंफर्मर पे क्वेश्चन आते हैं। फिर जो हाइड्रोकार्बन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन सब में हेलोजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। मतलब यहां से मेजॉरिटी चांसेस एक क्वेश्चन आए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन। अच्छा घबराना नहीं है कि एक दिन में दो दिन में कैसे करें, हमारा मैराथन यही इंश्योर करेगा कि ये जितने भी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं इसमें से ज्यादा फोकस करके हम मैराथन में आपको करा दे, ताकि ये सारा चीज रिकॉल हो जाए, क्वेश्चंस भी कर ले और आपके एग्जाम में 150 नंबर भी इंश्योर हो जाए। अब देखो कि अमाइंस में तो जनरली प्रीवियस ईयर भी उठाओगे तो नेम रिएक्शन और टेस्ट ही मिलेगा। सिमिलरली एल्डिहाइड कीटोन में नेम रिएक्शन और टेस्ट ही मिलता है। हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी, केमिकल रिएक्शन भी, बट ज्यादा फोकस यहां करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में नेम रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली जो आपका हेलो एल्केन हेलो ऑरीन चैप्टर है, SN1 SN2 E1 E2, यहां से तो भर भर के क्वेश्चन आते, हर साल आए, और कुछ नेम रिएक्शन जैसे कि फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, इस टाइप के। तो सर इनऑर्गेनिक इनको दिखा देते हैं। इनऑर्गेनिक में अब देखो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ जाता है, एक दो साल में आपको एक आध साल रिपीट करके मतलब गैप करके आ जाता है। जैसे रेडियस से आ सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी से तो मैंने पिछले 10 साल में बात करोगे तो 5-6 साल तो आए ही है। उसी तरह केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस, जिसको एक्सेप्शंस करके बताते हैं। कल मैं मैराथन में बताऊंगा एक ऐसा तरीका कि बिना रटे आपके सॉल्युबिलिटी और लैटिस के क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली फजान्स रूल का एक चार लेटर का पूरा मैं बता दूंगा, उसी चार लेटर से पूरा फजान्स रूल का क्वेश्चन हो जाएगा। वीबीटी वीएसईपीआर हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग का कोई ऐसा साल नहीं है जिससे इन तीनों टॉपिक को मिला के क्वेश्चन ना आया हो। शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन पूछी ही जाती है। सिमिलरली बॉन्ड एंगल और एच बॉन्ड वाले क्वेश्चंस, आप देखोगे कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, बट मेजॉरिटी टाइम वीबीटी सीएफटी आइसोमेरिज्म, और ये पढ़ लो आप आईयूपीएसी। इसी में एडिशन में करा दूंगा कल आपके कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह के क्वेश्चंस करा दूंगा। ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप कंपाउंड्स कर जाते हो सारे, बोरोन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के एंड ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड्स एंड हैलोजन के, सारे रिएक्शंस में यहां पे करा दूंगा। एक्सेप्शन और ऑक्सो एसिड्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जाती है, इंटर हैलोजन इन सालों में ज्यादा पूछा गया है। अब देखो कि हाइड्रोजन आपको वैसे तीन लेक्चर लगता है पढ़ने में और है भी बहुत बड़ा एनसीईआरटी में, लेकिन हार्डनेस और H2O2 पढ़ लेते तो आपका काम बन जाएगा। सिमिलरली मेटलर्जी में कुछ ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं इन्हीं पे घुमा फिरा के सवाल आता है, तो स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो आपका नंबर बढ़ाया जाता है। स्मार्ट वर्क आप हमारे साथ कल करिए। अब बात करेंगे सर फिजिकल केमिस्ट्री के, प्लीज आइए और बताइए। देखो यार फिजिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं, और यहां से पक्के क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लें। देखो यार मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा। यदि मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो 80% चांसेस यही दो हेडिंग है।
और इन्हीं दो हेडिंग पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर थ्योरी, डी ब्रॉग्ली इक्वेशन और क्वांटम नंबर। बोहर थ्योरी क्वांटम नंबर से यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो 80% केसों में बोहर थ्योरी या क्वांटम नंबर से क्वेश्चन होता है। फिर गैसियस स्टेट में केटीजी, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन से आता है गैसियस स्टेट में। ये वो टॉपिक है जहां से सोर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इनको आपको अच्छे से करने हैं। और मैराथन में हम लोग इन सबको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन साथ साथ में उनकी शॉर्टकट थ्योरी और कॉन्सेप्ट। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क, हीट और फर्स्ट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्क, हीट और फर्स्ट लॉ, साथ में इंथैल्पी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्मोकेमिस्ट्री तो बच्चों यार एक ऐसी जगह है जहां से चार नंबर आप ये मान के चलो आउट होते हैं। चार नंबर जो होते हैं ना आउट होते हैं, बिल्कुल आउट है यहां से चार नंबर। और बहुत इजी होते हैं, आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है और कल भी इस चीज को हम लोग पढ़ाएंगे। चार नंबर पक्के होंगे थर्मोकेमिस्ट्री से। केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा चैप्टर है मगर क्वेश्चन दो ही जगह से पूछते हैं, या तो केपी केसी निकालने को पूछते हैं या फिर बच्चों ली चटेरियल प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछते हैं। अब रेडॉक्स बहुत कम नीट में आता है, बहुत कम नीट में आता है, और यदि आता भी है तो दो जगह से, या तो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कहा जाएगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कहा जाएगा, या फिर KMnO4 K2Cr2 7 की टाइट्रेशन वाली कोई रिएक्शन होगी और उसमें कुछ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या समथिंग पूछ लिया जाएगा आपसे। सॉलिड स्टेट आप ये मान के चलिए यार बोनस टाइप का चैप्टर होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, या तो वो फार्मूला पूछता है या डिफेक्ट की बात करता है या फिर NaCl और ZnS क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और लिक्विड सॉल्यूशन में भी चार नंबर आउट है, ऑलवेज क्वेश्चन इसी जगह से आता है। 80% केसों में क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन होता है, आप चेक कर लो, और डिट्टो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब इधर और उधर कुछ घुमाएगा भी नहीं, सीधा फार्मूला लगाओ नंबर पाओ, कुछ ऐसा चल रहा होगा। और कल इन्हीं बातों पे हम लोगों का बहुत बड़ा फोकस भी होगा, सब बातें कल हम लोग मैराथन में बहुत अच्छे से करेंगे। अब जरा देखो केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस थ्योरी और हाफ लाइफ पीरियड। 90% केसों में सिर्फ दो ही जगह से क्वेश्चन आते हैं, या तो ऑर्डर ऑफ निकालने को आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, या फिर आर्हेनियस थ्योरी का क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने पूरा चैप्टर दिया है, क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यार इससे दो क्वेश्चन पक्के आते हैं, तो जब दो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मेरी एडवाइस है कि पूरा चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ के जाओ, पूरा चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ के जाइए। और सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल तीन पार्ट में है, कोलाइडल, कैटलिस्ट और एडजॉर्प्शन, मगर कोलाइडल वाले पार्ट से क्वेश्चन सर शॉर्ट आएगा, पक्का आएगा, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। और कल हम लोग मैराथन में जो 29 अप्रैल को होनी है उसमें केमिस्ट्री में ये सारी बातों पर क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ साथ में उनके कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी, सब में हम लोग ये सारी बातें देंगे, है ना सर? हाँ। तो देखो बच्चों, स्मार्ट वर्क करोगे नंबर लाना आसान है, आसान। क्या होगा कि अगर आप इस पे फोकस करो कि एक 12 घंटे लगा दिए ऑर्गेनिक पढ़ने में, 12 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ने में, 12 घंटे फिजिकल में, नहीं, हम क्या करेंगे बहुत कॉन्साइज वे में, टाइम कम है और आपके पास लोड भी ज्यादा होगा, बहुत कॉन्साइज वे में स्मार्टली वर्क करते हैं। और कल हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन कुछ बार क्या करेंगे सर, क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट, कई बार कॉन्सेप्ट अलग से भी बता देंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इस तरह से कोशिश ये रहेगी कि इस तरह से चीजों को अपना एक्सपीरियंस यूज करते हुए इस तरह से डिजाइन करेंगे लेक्चर को कि कम से कम 50-60% क्वेश्चन पेपर में उसी तरह का मिले या उसी कॉन्सेप्ट से मिले, क्योंकि कम से कम हम लोग 400-500 क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे करेंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 500 कॉन्सेप्ट में से हम लोगों की अपनी तरफ से कोशिश है कि 30-35 कॉन्सेप्ट आपके पेपर में मिनिमम आ जाए, मिनिमम आ जाए। अब जैसे मैं कल आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करा रहा हूं, तो मैं आपको 700 क्वेश्चन करा रहा हूं कल, ठीक है, 350 इसमें और 350 उसमें, तो आप मानिए और आपके भी 350-300 क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 1000 क्वेश्चन है। अब बताओ ना यार, या तो
एग्जैक्टली क्वेश्चन मिले पेपर में, या तो उसका कॉन्सेप्ट मिले, या तो डेटा चेंज करके इधर उधर करके मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे बाहर से कहीं अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। ये सारा एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं, सब कुछ कवर कर, 15 घंटे के आसपास में करा देंगे। हाँ, लेकिन 15 घंटे का पेशेंस आपसे चाहिए। अगर आप 15 घंटे की पेशेंस रखते हैं तो आपके नंबर आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि हम सबके साथ आप मैराथन में 15 घंटे के लिए तैयार हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और तैयार होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम चल रहा है, तो अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो, पूरा टाइम आराम से 15 घंटे में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करो, और रिवाइज करने के साथ साथ जो पेपर में आना है वही हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। और जैसे मान लो आपको खाना पीना खाना है, कुछ करना है यार, उसके लिए देखो कोशिश करेंगे कि 5-7-10 मिनट की ब्रेक दें, नहीं तो आप यार अपने घर वहां पे ना खाने पीने के सामान रख के बैठा करो, है ना। पेन कॉपी हम क्या करेंगे सर, इनके लिए क्वेश्चंस वगैरह आपको डलवा देंगे पहले से, ताकि आपके पास रहें, और आप उसको हमारे साथ सॉल्व करेंगे। 1000 क्वेश्चन बस आप हमको देख लो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, दिमाग में रुकेंगे कॉन्सेप्ट, और 6-7 दिन बाद पेपर है, अप्लाई कर लेना और आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। और कोशिश यही है यार, कोशिश यही है, यदि आपके लिए 15-16 घंटे बैठना टफ होगा तो हम लोगों के लिए कितना टफ होगा। और ये काम आप करके आए हो, कल आप लोगों ने मतलब आज आप लोगों ने 24 घंटे पढ़ाई की है बायोलॉजी में, तो यार कल हम लोग मिलेंगे और बहुत जी जान लगा के सारा काम करेंगे। बायो का टेंशन आपका खत्म है, केमिस्ट्री का टेंशन खत्म होने वाला है, ठीक है, मिलते हैं बच्चों, और फिर सिलेक्शन की पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है, मिलते हैं कल 29 अप्रैल को मैराथन में, जो कितने बजे से स्टार्ट होगी सर? 3 बजे। 3 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो 3 बजे एकदम रेडी रहिएगा, खा पी के एकदम मेज कुर्सी टेबल के साथ। चलो बच्चों मिलते हैं 3 बजे।